हेलो फ्रेंड्स। तो आज सुबह के 7 बजे है, 7:48 गया है अभी। तो आज शुरू करते हैं डेली ब्लॉक्स। तो चलिए जाते हैं ब्लॉक की दुनिया में। तो सुबह में घर का काम चल रहा है अभी अभी बालू लेके आया है घर के, उसी को दिखाते हैं आप लोगों को। ये था जो आज आप लोगों ने देखा घर बालू को गिराने का जो क्लिप उस देखा अभी घर के अंदर नम रहा हूँ। हाँ, तो ये था जो आप लोगों ने देखा ट्रक लेके बालू को गिरा रहा, ट्रक नहीं ट्रैक्टर, ट्रैक्टर लेके बालू को गिरा रहा था। आज का दिन मिस्त्री लोग ये नहीं है, आप लोग जैसे आगे की ब्लॉक में मेरे को देखा था आप लोगों के, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, मेरा होम्स कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन आप लोगों को मिस्त्री कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मिस्त्री इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो होम ग्राउंड है ना, घर का जो होम ग्राउंड है, इस होम ग्राउंड में बालू फेंकना डालना होगा, डालने के बाद जो ऊपर जाएगा ना तब उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगा। इसलिए जब तक बालू नहीं गिरेगा तब तक कंस्ट्रक्शन का काम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मिस्त्री लोग को आप लोग नहीं देख रहे हैं। तो मैं अगर मिस्त्री लोग को नहीं देखा तो क्या बात है, मैं आगे का उन लोगों का जो फुटेज है वो फुटेज मैं कलेक्ट करके रखा था, उन लोगों का कुछ वर्क, उन लोगों का काम करने का तरीका, कुछ ऐसे ही मजाकी स्टेप, उन लोगों का खाना पीना कैसे काम करते हैं, उन लोगों का जो तरीका है, जीवन शैली है, उनसे लेकर रिलेट करके मैं कुछ वीडियो क्लिप मैंने कलेक्ट करके रखा था, वही क्लिप आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वही देखते हैं, वो क्लिप बस आज का नहीं है, आगे का है। वाल को ईंट से जोड़ने के बाद देखिए कंप्लीट ही एरिया चेंज हो गया, टोटली डिफरेंट। पिताजी कुछ घर का काम कर रहे हैं, जला रहे हैं आग। ब्रेक टाइम में मिस्त्री लोग पी रहे हैं चाय, और ये आसाम है और आसाम में चाय बहुत ही फेमस है, और इधर के लोकल ड्रिंक्स भी कहा जाता है चाय को, बहुत मजा आता है चाय पीने में। आंटी सबके लिए खाना पका रहा है, मिस्ट्री लोग के लिए।
खाने पकाने का जो क्लिप मैंने आप लोगों को देखाया, तब मेरे को ये एक बात याद आया, उस दिन हम लोगों का घर में भी बहुत अच्छा खाना बनाया था। हो मिस्त्री लोगों का खाना अलग था, हम लोगों के घर का खाना भी अलग था। उस दिन मिस्त्री लोग अलग से बनाते हैं, वो दरअसल हो मिस्त्री लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना बाहर में ही खाते, कभी कभी एक दो दिन हम लोग के घर में भी बनाकर खा देते हैं। लेकिन उस दिन घर का जाना जो खाना था, हम लोग के मीट खाया था, वो मीट पॉर्क का मीट था, मतलब बहुत टेस्टी हुआ था वो मीट। वो पकाने का जो तरीका हो तो नहीं दिखा पाऊँगा, वो क्लिप मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कटने का तरीका है ना, वो पॉर्क कटने का जो तरीका है, वो तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो आज का ब्लॉग मैं इतने में ही ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।